हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आप लोगों का करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आ गए हैं एक और नई वीडियो को लेकर। और कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, प्यार दिया, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लेके आए हैं, जिसका नाम है एसएमएस ऑर्गेनाइज़र, है ना। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग गूगल का मैसेजेस यूज़ करते हैं, कुछ सैमसंग यूज़र सैमसंग का मैसेजेस यूज़ करते हैं, है ना। तो वो तो ठीक है, लेकिन इस मैसेजेस को भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी मतलब अलग अलग कैटेगरीज में सभी मैसेजेस हमको देखने को मिल जाते हैं, है ना। और ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है आज की वीडियो में बताया है, तो जो लोग जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। और हाँ दोस्तों, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर लगाना बिल्कुल मत भूलना, है ना। और हाँ, अगर आपके कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। एक कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। मैं हूँ आप लोगों को दोस्त होस्ट विकास चौधरी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना सभी लोगों तक, और कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, है ना। और अब हम अपने फ़ोन के टॉक बैक को ऑन करेंगे और उस ऐप मैसेजेस ऐप को ओपन करते हैं। ऑर्गेनाइज़र इसका नेम है, है ना। प्ले स्टोर पर सर्च करोगे वहाँ भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसको हम सिंपल ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपसे कहेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट कर लेना, है ना। उसके बाद इसकी सेटिंग्स देखते हैं क्या क्या है। इसको हमने ओपन कर लिया, राइट चलते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली मैसेजेस को सर्च कर सकते हो। मोर ऑप्शंस का ऑप्शन है यहाँ पे। मोर ऑप्शन के अंदर देखते हैं क्या क्या है। Pop-up window. Switch to classic SMSO. ठीक है, क्लासिक SMS पर स्विच कर सकते हो आप। Unread only. Not checked. Unread only, जो unread messages हैं वो सिर्फ शो करेंगे। Mark all as read. ठीक है, mark all is read है ये। Refresh messages. और messages को आप refresh कर सकते हो यहाँ से। Archive. Archive messages देख सकते हो। Locked. Blocked message देख सकते हो। Invite friends. इनवाइट फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। फीडबैक, ठीक है, फीडबैक दे सकते हो। सेटिंग्स, और सेटिंग्स है, सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, देख लेते हैं। एसएमएस ऑर्गेनाइजर, देखो। बैक एरो, सेटिंग, ऐप स्टेटस, डिफ़ॉल्ट एसएमएस ऐप डिसेबल्ड, ठीक है। जनरल, जनरल है। शो न्यू यूजर एक्सपीरियंस, स्वैप मेन्यू बार पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे विशेष कुछ काम की चीज नहीं है, हम बैक चलते हैं। एसएमएस ऑर्गेनाइजर, मोर ऑप्शंस बटन, ठीक है। इसके अलावा आपको होम बैक ओवरव्यू के ऊपर कुछ टैब्स देखने को मिल जाते हैं, तीन टैब हैं। सिलेक्टेड मैसेजेस, पहला मैसेजेस, Reminders tab, Finance और Finance tab, ठीक है। Window with तो ये तीन टैप हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर Messages, Search More, Personal, देखो यहाँ पे सबसे पहला है Personal, ठीक है, Personal Messages। इसमें अगर आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो मैसेजेस होंगे वो आपके पर्सनल मैसेजेस होंगे, जो भी आपने पर्सनल मैसेजेस किए होंगे या फिर आपको किसी ने पर्सनल मैसेज किया होगा, ठीक है, तो वो मैसेजेस शो करेंगे इसके अंदर। Transactions, उसके बाद ये है ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो उसके बाद आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। प्रमोशंस, प्रमोशन वाले इसमें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। स्टार्ट, ठीक है। 56,300 स्टार्ट प्रमोशन ट्रांजैक्ट फॉर मोर ऑप्शन सर्च मोर पर्सनल, पर्सनल में हमें भी है, देखो। ट्रांस प्रमोशन एंड कैप प्लस 9 हैश प्लस 9 हैश 72 हैश, ठीक है। ये यहाँ पर सभी नंबर मतलब पर्सनल मैसेज इसमें आए हुए हैं, जितने भी लोगों ने हमें पर्सनल मैसेज किए वो सभी यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू मैसेजेस, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मैसेज किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन में देखो, ठीक है, तो ये तो हुआ। अब हम क्रिएट न्यू मैसेज करके देखेंगे। SMS organizer. Back arrow button. New message. Take control of your messaging. Dismiss button. New message. 2. Type my name, number, etc. ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर डालना है। Select contacts button. या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट से चूज कर सकते हो। List. Attach contact.
schedule SMS message 3 full stop. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप मैसेज लिख दो, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप मैसेज शेड्यूल भी कर सकते हो, है ना। कल की वीडियो में जो मैंने बताया था वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था, ठीक है। बट ये जो मैसेजेस है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट में ये मतलब ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने मैसेजेस को शेड्यूल इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसमें जाके आप देखो, ठीक है, सेम ऑप्शन है। मंथ सेलेक्ट कर लो और डेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ओके कर दो, टाइम सेलेक्ट कर दो, ठीक है, फिर ओके कर दो, सिंपल मैसेज आपका शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेंड करना तो आप लोगों को आता ही है, तो ये था। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट को अटैच करके भी सेंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप किसी को कॉन्टैक्ट सेंड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके और इजीली आप कॉन्टैक्ट को अटैच करके सेंड कर सकते हो मैसेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ से बैक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं, अब देखो इसके अंदर जितने भी मैसेजेस शो हो रहे हैं वो सारे प्रमोशंस के मैसेजेस हैं। देखो 650 Airtel, 600 SAP1, 650 Start, स्टार्ट मैसेजेस देखते हैं। इसमें एक भी मैसेजेस नहीं है क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया है। You have not started. Create new message. You have not started any SMS yet. To start an SMS, selected, long press an SMS and tap on star icon. ठीक है, देखो आप जो मैसेजेस स्टार करोगे वो मैसेजेस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं Transactions. इसमें से 56,000 इस मैसेज को डबल टैप टू होल्ड करता हूं, 56,321 होल्ड किया, मोर ऑप्शंस बटन, उसके बाद यहां पर देखो सर्च मैसेजेस, मैसेज को सर्च मैसेजेस और देखते हैं पिन चैट, पिन को पिन चैट कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, ऑल को सिलेक्ट कर सकते हो, मूव टू फोल्डर, ठीक है, फोल्डर को मूव कर सकते हो, डिलीट, ठीक है, और डिलीट कर सकते हो। तो आपको पिन करना है, देखो पिन चैट मैसेजेस, इस मैसेज को हमने पिन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्ट, ठीक है। You have create new message. You have not started any SMS yet. To start an SMS, selected, long press an SMS and tap on star icon. ठीक है, तो ये है messages. मैसेज आप पिन भी कर सकते हो, ठीक है। Transaction. इसके अलावा और personal. देखते हैं, पर्सनल में चलते हैं, and, ठीक है, और मैसेज को किया, देखो move to folder. ठीक है, अगर आप मूव करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके मूव कर सकते हो, select all. ठीक है, ऑल को सिलेक्ट कर सकते हो, पिन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मोर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। पॉप अप विंडो, म्यूट सेंटर, ठीक है, म्यूट सेंटर, लॉक सेंटर, आर्काइव, ब्लॉक कर सकते हो आप, मार्कस रीड, ठीक है, मार्कस रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इतने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा SMS organizer selected contact image but plus 91 plus 91, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इतने ऑप्शन हैं, यहाँ से बैक चलते हैं। अच्छा, जो टैप रिमाइंडर टैप अंदर देखते हैं, allow alarm access for scheduling timely reminders and messages, alarm access, ठीक है, अलार्म एक्सेस, not go to settings, not now, go to settings, ठीक है। इनको आप परमिशन देके अलाउ कर सकते हो, ठीक है। वैसे ज्यादा यूजफुल है नहीं SMS organizer, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, SMS organizer, इतने ऑप्शन हैं इस finance एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग देख लेना आप लोगों के लायक यूजफुल है history, button, या नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो सभी के फोनों में एक ना एक मैसेज ऐप तो होता ही होता है। दोस्तों बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, है ना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी या फिर कोई टॉपिक है किसी वीडियो को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बनाने की। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल आपको फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।